इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 11वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है। क्रिकेट फैंस में लीग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी के समय से ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के फैंस के मन में एक सवाल जरूर उठता आ रहा है कि फ्रेंचाइजी ने क्रिस गेल को क्यों नहीं खरीदा। क्रिकेट फैंस के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि गेल ने पहले कई मुकाबले अपने दम पर जिताए हैं। अब आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने खुलासा किया है कि आखिर किस वजह से प्रबंधन ने यूनिवर्सल बॉस को क्यों नहीं खरीदा। ऐसा माना जा रहा है कि क्रिस गेल पिछले कुछ समय से सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है। इसके अलावा उम्र के कारण भी इस खिलाड़ी के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडराए हुए हैं। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोहली ने कहा कि टीम ने इस साल क्रिस गेल की सेवाएं नहीं लेने का फैसला किया। आरसीबी के कप्तान ने कहा, आरसीबी के लिए क्रिस गेल ने पिछले कुछ समय में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन अगले 3 साल की टीम संयोजन को देखते हुए उन्हें नहीं खरीदने का फैसला लिया गया। हम नए लोगों को मौका देना चाहते हैं, जो हमारी जरूरत के मुताबिक संतुलन मुहैया कराएं, विराट कोहली ने साथ ही कहा। मैं क्रिस गेल से कुछ भी दूर नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि हमने टीम संतुलित करने का फैसला किया। हम पूरे समय 2 या 3 लोगों पर निर्भर नहीं रह सकते। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले साल आरसीबी के प्रदर्शन के आधार पर कोहली ने ये बातें कही हैं। इंडियन प्रीमियर लीग